everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया. मेरा नाम है मिनाहिर. तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे फेज वन इनॉग्रेशन लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे इन इंडिया. और इनके चैनल का नेम है पापा कंस्ट्रक्शन. चैनल का नेम बड़ा मजे का. सो वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और बाकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाकर इसको फॉलो करें. सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं वीडियो. पिछले 8-9 वर्षों में पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा निवेश कर भारत 80,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्माण कर चुका है. इसी दिशा में एक नया अध्याय है 1386 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे. 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये एक्सप्रेसवे आधुनिक कनेक्टिविटी, किफायती लॉजिस्टिक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में गेम चेंजर साबित होने वाला है और देश के विकास को अधिक गति देने वाला है. ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और तकनीक से बन रहा है. प्रधानमंत्री जी के पीएम गति शक्ति के विजन को सशक्त करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी प्रतिबद्ध हैं. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इस विजन को और मजबूती देगा. एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव और महाराष्ट्र को जोड़ता है. ये एक्सप्रेसवे 13 पोर्ट्स, 8 एयरपोर्ट्स और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को जोड़ता है. पर्यावरण और वन्य जीवों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें 3 एनिमल अंडरपास और 7 ओवरपास का निर्माण हो रहा है. साथ ही इस राजमार्ग के किनारे 20 लाख से अधिक पेड़ और पौधे लगाए जाएंगे. सस्टेनेबल विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का ये प्रतिबिंब है. यात्री सुविधाओं के लिए इस एक्सप्रेसवे पर 94 वे साइड एमिनिटीज स्थापित की जा रही है, जिनमें रेस्टोरेंट, होटल, पेट्रोल पंप, दुकानें, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, चाइल्ड केयर फैसिलिटी, ड्राइवर रेस्ट एरिया शामिल हैं. देश में पहली बार किसी एक्सप्रेस वे पर हेलीपैड्स का निर्माण किया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल रेस्क्यू, मेडिकल इमरजेंसी, ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के लिए किया जाएगा. इस एक्सप्रेस वे पर स्थानीय कला और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ विशेष हाट की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे 20,000 से ज्यादा रोजगार के मौके बनेंगे. आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है. माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण है. इससे दिल्ली से फिरोजपुर झिरका, अलवर, बांदीकुई, दौसा और सवाई माधोपुर तक का सफर तेज और आसान हो जाएगा और दिल्ली से जयपुर का सफर केवल 3.5 घंटों में तय हो सकेगा, जिसमें अभी 5 से 6 घंटे लगते हैं. जयपुर, सरिस्का, केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रणथंभौर जैसे पर्यटन केंद्रों का और विकास होगा. यात्रियों और कारोबारियों को सुविधा होगी. स्थानीय किसानों और कारीगरों के लिए आय और रोजगार के नए अवसर बनेंगे. क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की पहुंच को और सुगम बनाने के लिए 3 और परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, जिनमें पहला है 2020 करोड़ रुपए की लागत वाला बांदीकुई से जयपुर जाने वाला 67 किलोमीटर लंबा 4-लेन स्पर. दूसरा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अंबाला कोटपुतली 6-लेन कॉरिडोर को दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जोड़ने के लिए 3,775 करोड़ रुपए लागत से बनने वाला 86 किलोमीटर लंबा 6-लेन स्पर तथा 93 किलोमीटर वाला 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला लालसोट करौली खंड का 2-लेन पेव्ड शोल्डर. देश की राजधानी और मुंबई महानगर को वर्ल्ड क्लास सड़क से जोड़ने वाला और दूरियों को समेटने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विकास की नई धमनी बनकर उभरेगा और अमृतकाल के विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करेगा.
बाय रोड भी जो है वो दिल्ली और मुंबई जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, मतलब इतने सारे राज्यों को जोड़ा है, मतलब 8 थे आई थिंक, 8 एयरपोर्ट्स थे और 13 मेरे ख्याल से 13 या समथिंग थे, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से, बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं जिसकी वजह से मतलब ये वाइल्ड एनिमल्स का भी ख्याल रख रहे हैं कि अंडरपास भी बना रहे हैं और ओवरपास भी बना रहे हैं, और दूसरा ये कि वहाँ पे बहुत सारे जैसे रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, पेट्रोल पंप खुल रहे हैं, और सबसे ज्यादा बात है कि जो इंडिया में बहुत ज्यादा मतलब ईवी गाड़ियां हैं तो उसके लिए उन्होंने चार्जिंग स्टेशन भी खोले हैं, और इससे बहुत सारे लोगों को जो है वो रोजगार भी मिलेगा बहुत ज्यादा। हाँ मतलब हर चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है बिजनेस को इतना वो बूस्ट अप मिलेगा, क्योंकि जब रेस्टोरेंट है जारी सी बात है उनका बिजनेस खुलेगा, नए लोगों को जॉब्स मिलेंगी उसमें, रेस्टोरेंट के अलावा और इतनी सारी चीजें होंगी, पार्क्स होंगे, प्लेग्राउंड्स होंगे और इतनी सारी, और मुझे लग रहा है ये अभी तक जो है ना इन्होंने जस्ट एक नक्शा सा ही लिया है, अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है, अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो नक्शे में तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, और अभी जैसे वीडियो के दौरान भी मैंने बोला कि इसका रात का जो व्यू था वो एक अलग ही, इतनी जबरदस्त किस्म की लाइट और इतना जबरदस्त रोड, और उसका जो डिजाइन था वो जैसे उन्होंने स्टार्ट में दिखाया वो बहुत ही जो है ना आउट क्लास किस्म का लग रहा था, तो बड़ी अच्छी बात है अगर ये बाय रोड, और एक पता नहीं कौन सी उनकी सिटी थी उसे ये कनेक्ट हो रहा था जिसका रास्ता 5 से 6 घंटे का था और वो 3.5 घंटे में जो है वो कवर हो रहा, मतलब शॉर्टकट्स जो है जिन जगहों पे पहले नहीं थी रोड, उन जगहों से इन्होंने रोड निकाली है, और ये नहीं कि भाई सिटीज को वो कर दिया है, वो कहते हैं ना सिटीज मतलब जो लोगों के घर वगैरह बने थे कुछ लोग वो उनसे खरीद लेते हैं भाई, हाँ कि हमने यहाँ पे रोड बनानी है, तो बनानी है, कुछ करनी है, गवर्नमेंट कर देते हैं आपको डिमोलिश कर देते हैं कि भाई आप हमसे पैसे ले लो तो आप कहीं और, तो वो जिनका बना बनाया घर है वो बेचारे क्या करें, आगे तो इतनी महंगाई है कहाँ से घर और मिलता है, तो उनको डिमोलिश करो, जैसे अगर किसी ने PTCL का या कुछ ऐसा टावर शावर लगाना होता है तो वो भी वो उसका पैसे देते हैं, गवर्नमेंट पैसे देती है कि भाई हम आपको इतना पैसा देते हैं इसको डिमोलिश करो या अपने छत के ऊपर लगाओ, तो छत सारी कंजस्टेड हो गया, लेकिन ऐसा कुछ सीन इसमें नजर नहीं आया, ऐसी ऐसी जगहों से गुजारी, कुछ जगहों से अंडर पास है, कुछ जगहों से ओवर पास है, तो मतलब जो यूजलेस जगह थी उनको यूज करके शॉर्टेस्ट रास्ते निकाले गए, और लंबा तरीन एक्सप्रेस वे था वो, हाँ लंबा एशिया का जो है वो पहला ये इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बना है। खैर हमने तो वीडियो बहुत ज्यादा एंजॉय की, होप सो आप लोगों ने भी की होगी, और जब ये इंशाल्लाह जब वो चलना शुरू हो जाएगी तो आप लोग हमें बताना कि एक्सपीरियंस करके कि कैसा था ये रोड। सो अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना, और कमेंट में कमेंट भी किया करें, और हमें नई से नई जो है वो वीडियो सजेस्ट किया करें, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।